सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेट अंदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, मतलब ऑल नहीं बट ऐसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जिनको हमें पढ़ने के लिए यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ती है। ऑब्वियसली इतने टफ मैथ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें समझने के लिए यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ती है। बट क्वेश्चन ये आता है कि यूट्यूब पे या तो कंटेंट ही अवेलेबल नहीं होगा, या तो कंटेंट अवेलेबल होगा तो बहुत सारे चैनल होंगे, इसमें से कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी एग्जाम के टाइम पे, कि किससे पढ़ें और कौन हमें ज्यादा अच्छी नॉलेज देगा। तो इसी को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको अपने जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके आपको 10 सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके लिए हमें यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ती है, और उनके अच्छे अच्छे डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट भी बना रखी है और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा समझाया है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलो लेट सेट स्टार्ट। सो अभी मैं अपने चैनल पे हूँ, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट, मैंने सारे सब्जेक्ट लिख लिए हैं, तो पहला सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड लैपलास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसा कि आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है। तो कैलकुलस एंड लैपलास अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आएंगे। तो इसमें सबसे अच्छा अगर मैं आपको चैनल बताऊँ तो दो चैनल है, एक अपने गजेंद्र पुरोहित सर का चैनल है। अगर आप गजेंद्र पुरोहित सर के चैनल से पढ़ते हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गजेंद्र पुरोहित सर ने कम समय में ज्यादा चीजें बताई हैं, है ना। तो अगर आपके पास समय कम है तो इनसे पढ़िए, बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको अगर कैलकुलस एंड लैपलास पढ़ना है तो आप लैपलास एमकेएस ट्यूटोरियल से पढ़ सकते हैं। एमकेएस ट्यूटोरियल ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसे, है ना, 49 वीडियोस बनाई है और अच्छा खासा इन्होंने क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया है। तो इस सब्जेक्ट के लिए दो चैनल अच्छे हैं। एक आपका टिकल्स एकेडमी बहुत अच्छा चैनल है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेसिक से बताते हैं, राइट। चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। तो अगला सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड न्यूमेरिकल मेथड। सो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाइड न्यूमेरिकल मेथड। सो अप्लाइड न्यूमेरिकल मेथड में आपको एक चीज में क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी मैथ है जिसके लिए आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, बिकॉज विदाउट कैलकुलेटर आप इस सब्जेक्ट में फंस जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत हायर कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेटर तो आपको मिलेगा ही, तो अगर आपको कैलकुलेटर चलाते आता है तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत इजीली पास कर सकते हो, बहुत इजीली हाई स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इसमें ये सिंपल सब्जेक्ट है। इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला मिलेंगे, उस फार्मूला को आपको कैलकुलेटर में पुट करना होगा और वैल्यू लेनी होगी। अगर आपको कैलकुलेटर चलाते आता है तो ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, वरना बहुत टफ सब्जेक्ट है, राइट। सो इसके लिए मैं अगर आपको चैनल बताऊं तो इसमें आपका गजेंद्र पुरोहित सर का प्लेलिस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन गजेंद्र पुरोहित सर ने आपको थ्योरेटिकली चीजें बताई हैं, कैलकुलेटर का यूज करना नहीं बताया, बहुत ही कम बताया। इसलिए मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कैलकुलेटर के लिए इसमें शॉर्ट ट्रिक सर्च करनी होगी। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप जब इसको पढ़ोगे, जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि आप जब, जैसे आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाइड न्यूमेरिकल का लिखो, उसके लास्ट में आपको लिखना होगा शॉर्ट ट्रिक बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो शॉर्ट ट्रिक से बता रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कि कैसे उसको सॉल्व करना है। अगर आपको वो आता है तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही इजीली ले जाओगे, राइट। सो चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की ओर। तो अपना दूसरा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन। जैसे मैं इसको लिखता हूं तो आप देखो बहुत सारे चैनल आते हैं, बट मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लिए, तो एक आपको ये द गेट हब एक चैनल है, ये बहुत ही अच्छा चैनल है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंपाइलर डिजाइन के लिए। अगर आप इससे पढ़ते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। पूरी 120 वीडियो की प्लेलिस्ट है, सब देखने की जरूरत नहीं है, जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आप देख सकते हो। और अगर आपको इसमें अपने प्रैक्टिस करनी है, अपने आपको इम्प्रूव करना है, तो इसमें संचित सर का वीडियो जरूर देखना। संचित सर बहुत ही ज्यादा गेट लेवल का आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसमें, राइट। अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है तो आप संचित सर की ये 8 घंटे वाली वीडियो जरूर देखना, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बिकॉज ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने होंगे, तब जाके सब्जेक्ट आपको बनेगा, राइट। चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। तो दूसरा सब्जेक्ट है अपना डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम,
तो बहुत सारे चैनल आ जाते हैं क्योंकि ये प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी है। सो बिकॉज हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाएंगे, है ना, हमें पूरे एल्गोरिथम वगैरह स्टेप वाइज कॉपी में लिखने होते हैं, तो उस हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो आपका जेनीज लेक्चर एक बहुत ही अच्छा चैनल है, राइट, इससे पढ़ना बहुत ही अच्छा चैनल है, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया सारे एल्गोरिथम को, तो ये बहुत ही अच्छा चैनल है। इसके अलावा एक दूसरा चैनल अगर बताऊं तो आपका अब्दुल बारी सर का बहुत ही अच्छा चैनल है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में, आप इनसे पढ़ लो। मेरे हिसाब से अब्दुल बारी सर का चैनल ज्यादा अच्छा है, मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता, बाकी दोनों ही चैनल बहुत अच्छे हैं, आप दोनों से पढ़ना, राइट, बाकी अब्दुल बारी सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ये दो चैनल मैं आपको रिकमेंड करूंगा डीएसए के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको दो ही चैनल रिकमेंड करूंगा, एक अपना गेट स्मैशर, गेट स्मैशर्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही अच्छे समझाया है, इनकी आप देखो टोटल 92 वीडियोस हैं, बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस हैं और बहुत अच्छे से कवर किया है सारे टॉपिक को, तो आप गेट स्मैशर को जरूर देखना, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। उसके बाद अगर आपको एक और चैनल बताऊं तो आप डॉक्टर बोल रहा हूँ नॉलेज गेट बाय संचित सर ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है, अगर आप आपके पास बहुत कम समय है तो आप ये संजीत सर की 6 आवर वाली जो वीडियो है उसको आप देख लेना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी इन्होंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है टोटल 81 वीडियोस की, तो ये दो चैनल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये दो चैनल आप देख लोगे तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सो अगला सब्जेक्ट है डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना। चलो, तो जैसे ही आप इसको लिखते हो तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, बट आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको लिख के आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा चैनल मिलेगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ फोरियर सीरीज, तो यहाँ सबसे ऊपर आप देखो कौन सा चैनल आया है, एमकेएस ट्यूटोरियल बाय मनोज सर, तो ये एक ऐसा चैनल है जो बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छा चैनल है फॉर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा क्लियर वीडियो बनाई है, केवल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही कवर किया है, और अगर आप इनसे पढ़ते हो तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक, मैंने भी इन्हीं से पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर इंटीग्रल, ये सब पे इन्होंने वीडियो बना रखी है। बाकी अगर आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे पढ़ना है तो आप थोड़ा टिकल्स एकेडमी भी देख सकते हो, राइट, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एमकेएस ट्यूटोरियल बेस्ट है, राइट, आपके पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल्स में। चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला सब्जेक्ट है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ना, इसमें डीएसए रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये भी इसके क्वेश्चंस आते हैं डीएसए में, तो इसमें आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप गजेंद्र पुरोहित सर की प्लेलिस्ट देख लो, बिकॉज इन्होंने बहुत ही शॉर्ट समय में बहुत ही अच्छा समझाया, ठीक है। बाकी ये है आपको पूरा बहुत डीप में पढ़ना है तो गजेंद्र पुरोहित सर की प्लेलिस्ट आपको डीप में नहीं बताएगी, ठीक है, आपको डीप में पढ़ने के लिए आपको जाना होगा संजीत सर की वीडियो में, वो आपको बिल्कुल डीप में पढ़ा देंगे जो भी आपको पढ़ना है, राइट। तो ये दो चैनल मैं इसमें रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए, ओके, इनफ है आपके सब्जेक्ट स्कोर करने के लिए, बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में नहीं बताया ना, सो इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो जैसे आप इंजीनियरिंग फिजिक्स लिखते हो तो बहुत सारे चैनल इसमें आ जाते हैं, राइट, बट मैंने आपको इसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स में आपको बताऊं, देखो आपको ये अभी मिल जाएगा, जैसे ही आप इसमें कॉलेज आओगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा सब्जेक्ट, तो इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो दो पार्ट होते हैं, दो तीन पार्ट होते हैं फिजिक्स के, एक होता है मैकेनिक्स जो आपको अभी पढ़ने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही मेजर पार्ट कवर करता है आपके सब्जेक्ट में, उसके बाद आपका ये ऑप्टिमम वाले जो होते हैं ना, ये जो थ्योरी कॉन्सेप्ट आ जाता है ना अपना, वो वाले टॉपिक आ जाते हैं, तो इसमें आपको मैकेनिक्स अगर आपको कंप्लीट करना है तो मैंने जो मैकेनिक्स पढ़ा था इसमें वो आपको दिखा देता हूँ, मैकेनिक्स बाय टिकल एकेडमी, देखो तो जैसे ही आप इसमें देखोगे तो ये देखिए आपको टिकल एकेडमी की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टोटल 420 वीडियो है, पूरी देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक रफ आइडिया लेने की जरूरत है, इनको आप देखते हो तो आपके जो आप कॉलेज में आपके क्वेश्चंस पेपर आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बताया सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक, कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज होते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने बता के रखी है, राइट, तो मैकेनिक्स आप यहां से पढ़ सकते हो, बाकी अदर चीजें जो आप है, जैसे ऑप्टिमम फाइबर एक इसमें होता है, ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी, ठीक है, तो इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा चैनल मैं बताता हूँ, लास्ट मोमेंट ट्यूशन,
तो इनको अगर आप देखते हो तो ये पूरा का पूरा इन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। आप इनके चैनल को देखो, आपको एक बहुत अच्छा लिखने का आइडिया भी पता चलेगा क्योंकि उन्होंने डायग्राम वगैरह सब चीज से एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी बात, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैंने खुद इन्हें पेपर के लास्ट दो दिन पहले देखा था, दो दिन में इनकी सारी वीडियोस कवर कर दी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था उस सब्जेक्ट में, राइट। सो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है लास्ट मोमेंट ट्यूशन, इससे जरूर पढ़ना, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बहुत ही कम समय में। ओके, चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। तो अगला कौन सा सब्जेक्ट बचा है भाई? अगला सब्जेक्ट है आपका डिजिटल लॉजिक डिजाइन, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, शायद आपको मिल जाए अभी, राइट, फर्स्ट ईयर में। डिजिटल लॉजिक डिजाइन फुल कोर्स मैंने लिख दिया, तो इसमें आपको एक अपना गेट स्मैशर बहुत ही अच्छा चैनल है, ठीक है, समझाने आपको समझने के लिए। उसके बाद अगर आपको और मैं बताऊं तो संचित सर की वीडियो देख लेना, संचित सर ने इसमें कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, ये आप एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख सकते हो, राइट। तो संचित सर के बारे में मैंने बहुत बताया था, संचित सर बहुत ही, आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, जिसपे बनाते हैं बहुत ही डिटेल वीडियो बनाते हैं, राइट, इसलिए मैं उनकी हर वीडियो में लगभग बात करता हूं, ठीक है। सो आपको मैंने टोटल 10 यूट्यूब चैनल्स के बारे में बताया, 10 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, जो कि जिसके लिए यूट्यूब चैनल बेस्ट है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा, बट एक ही वीडियो में सब कर दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।